प्रदेश में बेशर्मी की हदें पार। सीधी पेशाब कांड के बाद ग्वालियर से आया वीडियो, युवक को कार में पीटा, गाली दी, तलवे भी चटवाए। चलती कार में युवक को किया किडनैप, बेरहमी से पीटा, गाली दी, तलवे चटवाए। पेशाब कांड के बाद एमपी से एक और घिनौना वीडियो आया सामने। ग्वालियर में सीधी पेशाब कांड जैसी घटना, आरोपी ने खुद को बाप बुलवाने के लिए चप्पल से पीटा। मामले में दो आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित और आरोपी ग्वालियर जिले के डबरा शहर से रहने वाले हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पीड़ित को अन्य व्यक्ति द्वारा कई बार थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है, जो चलती गाड़ी में पीड़ित को गोलू गुज्जर बाप है कहने के लिए मजबूर करता देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड के बाद अब ग्वालियर में एक युवक से तलवा चटवाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उस युवक को किडनैप कर चलती कार में उसकी पिटाई की गई, फिर उसे तलवा चटवाने पर मजबूर किया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो में गाली गलौज, मारपीट और पीड़ित से जबरन तलवा चटवाने देखा जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आज तक के सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट के मुताबिक मामला ग्वालियर के डबरा तहसील का बताया जा रहा है। चलती कार में होती मारपीट का जो वीडियो सामने आया है, उसमें मारपीट करने वाला शख्स खुद को गोलू गुज्जर बताते हुए कहता है, गोलू गुज्जर कौन है, तेरा बाप। आरोपी पीड़ित से अपने पैर भी दबवाता है, इसके बाद उसे अपना तलवा चाटने को कहता है। पीड़ित जब इसे इनकार करता है तो आरोपी गालियां देने लगता है, थप्पड़ जड़ते हुए जबरन उसे अपना तलवा चटवाता है। इस घटना को ग्वालियर डबरा हाईवे पर अंजाम दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पीड़ित का नाम मोहसिन है। आरोपी पीड़ित को लगातार थप्पड़ घूंसा जड़ते हुए गाली देता है। पीड़ित चीखता है। पीछे की तरफ बैठा कोई दूसरा शख्स पूरा वीडियो बना रहा होता है। वीडियो में मारपीट और भद्दी गालियां हैं, इसलिए हम उस वीडियो को यहां नहीं दिखा सकते। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डबरा के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी यानी SDOP विवेक कुमार शर्मा ने कहा, शुक्रवार 7 जुलाई की शाम एक वीडियो आया था, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। वीडियो में एक व्यक्ति की पिटाई होती दिख रही है। वीडियो पर तुरंत संज्ञान लिया गया। SDOP विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि वीडियो फोरेंसिक लैब भेजा गया है। पीड़ित के परिजनों की शिकायत के आधार पर अपहरण और मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और आरोपी डबरा के रहने वाले हैं। इस मामले में शनिवार को एक और वीडियो सामने आया। यह CCTV फुटेज 21 मई 2023 का है। वीडियो में चार लोग एक लड़के को लाठी डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें पीड़ित युवक भी शामिल है, जिसका अपहरण कर तलवे चटवाए गए। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गोलू गुज्जर के छोटे भाई को लाठी डंडों से पीटा था। इनके खिलाफ डबरा थाने में केस भी दर्ज किया गया था। इसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने युवक को किडनैप किया, फिर जमकर पिटाई की।